दोस्तों, जब साउथ की सिनेमाई दुनिया की बात हो और त्रिशा कृष्णन का नाम ना आए तो ये किसी सस्पेंस से कम नहीं। एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अभिनय और अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज किया। सादगी और ग्लैमर का अनूठा संगम है त्रिशा। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर स्टार की लाइफ में कई ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी कहानियां हमने कभी नहीं सुनी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं त्रिशा कृष्णन की वो सस्पेंस भरी जीवन यात्रा, जिसे जानने के बाद आप रह जाएंगे हैरान, और साथ ही उनके करियर के टॉप 5 फिल्मों की बातें करेंगे जिन्होंने उन्हें एक लेजेंड बनाया। तो बन जाइए इस 5 मिनट की रोमांचक यात्रा के लिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिशा कृष्णन के जन्म से। चेन्नई में जन्मी त्रिशा का फिल्मी सफर वैसे तो बेहद शानदार दिखता है, लेकिन उनकी असल जिंदगी में कई रहस्य छिपे हुए हैं। बचपन से ही त्रिशा का झुकाव मॉडलिंग की तरफ था। उन्होंने मिस चेन्नई का खिताब जीता और वहीं से उनके सपनों को पंख लग गए। लेकिन क्या आप जानते हैं त्रिशा का पहला सपना था डॉक्टर बनने का? जी हाँ, त्रिशा मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने जैसे उनके लिए कुछ और ही तय किया था। मॉडलिंग के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री का दरवाजा उनके लिए खुलने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से त्रिशा के जीवन का सस्पेंस और संघर्ष शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म जोड़ी में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटी सी झलक आगे चलकर साउथ इंडस्ट्री की सुपरस्टार बनेगी। मगर शुरुआती दौर में त्रिशा को कई रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब लोग उन्हें ग्लैमरस डॉल के रूप में ही देखते थे, लेकिन उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाते थे। लेकिन त्रिशा ने हार नहीं मानी और फिर आया वो समय जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 2003 में सामी फिल्म में उन्होंने विजयकांत के साथ ऐसा धमाकेदार अभिनय किया कि पूरा साउथ फिल्म इंडस्ट्री उनकी दीवाना हो गया। अब आते हैं त्रिशा की उन टॉप 5 फिल्मों पर जिन्होंने उन्हें साउथ सिनेमा का चमकता सितारा बना दिया। 1. सामी। सबसे पहले बात करते हैं सामी की। इस फिल्म ने त्रिशा को सुपरस्टारडम की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। यहाँ उनकी सादगी, मासूमियत और प्यारा अंदाज दर्शकों को खूब भाया। फिल्म में विक्रम के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये वो फिल्म थी जिसने त्रिशा को हर घर में जाना पहचाना नाम बना दिया। 2. वर्षम 2004। अब बारी है उस फिल्म की जिसने त्रिशा को तेलुगु सिनेमा में अमर कर दिया। वर्षम एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जहां प्रभास के साथ उनकी केमिस्ट्री ने सिनेमाघरों में आग लगा दी। इस फिल्म के गाने सुपरहिट हुए और त्रिशा ने अपने एक्टिंग के हुनर से सभी आलोचकों को गलत साबित कर दिया। ये फिल्म उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुई। 3. गिली 2004। अब बात करें उस फिल्म की जिसने त्रिशा को तमिल सिनेमा की क्वीन बना दिया। गिली में विजय के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये फिल्म इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। रोमांस और एक्शन का परफेक्ट मिश्रण इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े और त्रिशा को तमिल सिनेमा में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्री बना दिया। अभियुम नानुम। अभियुम नानुम एक दिल छू लेने वाली फिल्म थी जहां त्रिशा ने एक बेटी की भूमिका निभाई। ये फिल्म पिता बेटी के रिश्ते पर आधारित थी और त्रिशा के इस इमोशनल रोल ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि गंभीर भूमिकाएं भी बखूबी निभा सकती हैं। ये फिल्म उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। 96। दोस्तों, अगर त्रिशा कृष्णन की कोई फिल्म उनकी अब तक की सबसे शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाएगी तो वो है 96। इस फिल्म में उन्होंने विजय सेतुपति के साथ एक पुराने प्रेमी के दर्द और भावनाओं को इतने खूबसूरत ढंग से निभाया कि हर कोई उनके अभिनय की तारीफ करते नहीं थका। इस फिल्म ने त्रिशा को न सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर बल्कि एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर भी स्थापित किया। लेकिन दोस्तों, त्रिशा की जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। उनकी निजी जिंदगी में भी काफी सस्पेंस और उतार चढ़ाव आए। कई बार उनका नाम कोस्टास के साथ जोड़ा गया और उनकी सगाई भी हुई, लेकिन बाद में टूट गई। मगर त्रिशा ने कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ने दिया। यही वजह है कि आज भी वो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब और प्यारी एक्ट्रेस मानी जाती हैं। तो दोस्तों,
ये थी त्रिशा कृष्णन की सस्पेंस से भरी कहानी। उनकी मेहनत, लगन और संघर्ष ने उन्हें एक मिसाल बना दिया। चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, त्रिशा ने हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए पार किया और साबित कर दिया कि मेहनत और टैलेंट के आगे कुछ नहीं टिकता। और वो कहते हैं ना, जो चमकता है वो हीरे जैसा मजबूत होता है, और त्रिशा है इस इंडस्ट्री की अनमोल हीरा। दोस्तों, अगर आपको त्रिशा कृष्णन की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर एक और रोमांचक जीवन कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक याद रखिए, जिंदगी के सस्पेंस से कभी हार मत मानिए, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो कभी झुकता नहीं। जय हिंद, जय सिनेमा।